हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप सभी देख रहे हैं एस्ट्री क्रिएशंस। तो गाइस, तो पहली बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिक्सार्ट में फोटो ग्रेडिंग, और वो भी आज हम करने वाले हैं ना सिनेमैटिक नो कलर ग्रेडिंग और उस तरीके की फोटो एडिटिंग, वो भी पिक्सार्ट में। सो गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, देन जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस फोटो को हमें एडिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, द बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप सिलेक्ट कर इरेजर टूल से आप इरेज कर सकते हो। इसको बहुत टाइम लगता है, सो मैंने ऑलरेडी इरेज करके रखा है। सो गाइस, हम जाएंगे ड्रॉ टूल की तरफ और हम जाएंगे लेयर में, और गाइस हम सिलेक्ट करेंगे फोटो लेयर और द बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे गाइस। सो आप गाइस ये ऐड कर सकते हो, और गाइस ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जस्ट फॉर फ्री। और गाइस, इस वाले लेयर को सबसे नीचे ले जाएंगे हम, और अगेन हम जाएंगे फोटो लेयर की तरफ। सो क्लिक ऑन द प्लस आइकन और सिलेक्ट द फोटो लेयर, और गाइस ये फॉलिंग स्नो पार्टिकल्स है वो हम सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट हिट ओके। सो गाइस, ये फॉलिंग स्नो पार्टिकल्स एकदम अमेजिंग दिखेंगे। सो गाइस, अब आपको है ना स्क्रीन करना है द ब्लेंडिंग मोड है वो, और गाइस सब जो बड़े बड़े स्नो फॉलिंग स्नो पार्टिकल्स है वो आपको इरेज करने हैं। सो हम सिलेक्ट करेंगे इरेजर टूल, और गाइस मेक श्योर आपने है ना सॉफ्ट राउंड ब्रश ही सिलेक्ट किया है, बिकॉज हमें हार्श एड्स नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट राउंड एड्स ही चाहिए। सो हम ये इस वाला टूल यूज़ कर रहे हैं, और गाइस जो 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 भी बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन की तरफ वो सब आपको इरेज करने हैं कुछ इस तरह से। सो गाइस, मैंने इरेज ऑलमोस्ट कर लिया, नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन डन। सो गाइस, इस फोटो को कर लेते हैं हम सेव, और इसको रिटच करेंगे हम लाइटरूम एप्लीकेशन में, और सिनेमैटिक कलर इफेक्ट उसमें ऐड करेंगे। सो लाइट सेव टू गैलरी, अब इसको करेंगे इंपोर्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो गो टू द ओल्ड फोटोज, ये हम ऐड हो चुका है, और क्लिक करेंगे इस फोटो को, और गाइस हम जाएंगे विनियटी टैब की तरफ, और हम हल्का सा ना मूडी डार्क इफेक्ट देने के लिए हम विनियटी को करेंगे माइनस अराउंड 80 और 79 समथिंग लाइक दैट। आप देख सकते हैं एकदम मूडी डार्क, एकदम ब्लैकिश इफेक्ट दिख रहा है, वो एकदम बढ़िया सा दिखता है। सो हम मिड पॉइंट को रखेंगे अराउंड वो भी 31, और फेजर को करेंगे हम 83, और राउंडनेस को रखेंगे अराउंड 60 समथिंग लाइक दैट। और यहाँ गाइस हम हाईलाइट्स को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज हमें जो ब्लैक इफेक्ट है वो हमें नहीं चाहिए वहाँ पे। सो हम इंक्रीज करेंगे हाईलाइट्स को, और गाइस हम टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे टू अराउंड माइनस प्लस 16, और क्लैरिटी को हल्का सा इंक्रीज करेंगे टू अराउंड प्लस 10 और समथिंग 9। और गाइस हम जाएंगे कर्व्स की तरफ, और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करेंगे हल्की सी हाइलाइट्स टू अराउंड प्लस 15, शेडोज को हम डिक्रीज करेंगे टू अराउंड माइनस 14, वाइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और ब्लैकनेस को डिक्रीज करेंगे टू अराउंड माइनस 5 और माइनस 10। ओनली हल्का सा आपको ब्लैक को डिक्रीज करना है। और गाइस हम चलते हैं HSL टैब की तरफ, और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करेंगे येलो टोन, और गाइस आपको जो भी येलो टोन दिख रहा है वो हम करेंगे ऑरेंज गोल्ड की तरफ। सो इसको कर लेंगे हम माइनस 99, और माइनस 90 ऑल्सो विट बी प्रीटी मच परफेक्ट। और गाइस हम चलेंगे ब्लू टोन की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसको कर लेंगे डन, और हल्का सा टेम्परेचर को ब्लूइश टोन की तरफ ले जाएंगे। सो माइनस 2 हम कर देंगे ब्लूइश टेम्परेचर को,
एकदम का थोड़ा सा डिक्रीज करना है, राइट? सो -2 और -1 वुड बी प्रीटी मच परफेक्ट। सो हम फिर से जाएंगे HSL टैब की तरफ और सिलेक्ट करेंगे है सियान और एक्वा कलर, और उसको करेंगे माइनस, और एकदम एक्वा टोन की तरफ ले जाना है। सो हम इसको कर देंगे प्लस अराउंड 43 और माइनस, लेट्स ये गाइस आप एडजस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा अच्छा आ रहा है। और हम जाएंगे ब्लू टोन की तरफ और उसको कर देंगे -79, और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सी इफेक्ट, सिनेमैटिक टाइप की ये इफेक्ट दिख रही है। और हल्का सा वाइब्रेंस इंक्रीज कर देंगे टू अराउंड +18, और सैचुरेशन को कर लेंगे अराउंड -5, और 10 वुड बी प्रीटी मच परफेक्ट। सो गाइस आप देख सकते हो एकदम से बढ़िया इफेक्ट आ रही है, और इसको कर लेते हैं सेव और एक्सपोर्ट। और गाइस फिर से हम इसको ओपन कर लेंगे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, और फिर से गाइस जाएंगे हम ब्रश टूल में और फिर से लेयर के ऑप्शन में, और गाइस सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी लेयर को, और गाइस सिलेक्ट करेंगे ब्रश, और मेक श्योर आपने वो सॉफ्ट राउंड वाला ब्रश ही सिलेक्ट किया है। और गाइस हम कर लेते हैं यहाँ से पिक कलर, और गाइस आप सिलेक्ट कर लेंगे वो ऑरेंज टाइप कलर सिलेक्ट करना है। और गाइस हम जाएंगे और क्लिक ऑन द 3 डॉट्स और सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल, और इसको कर लेते हैं हम इंक्रीज साइज इसकी ब्रश की। सो इसको रख देते हम यहाँ पे रख देते, और इसके गाइस जो ब्लेंडिंग मोड है उसको कर लेते हैं हम स्क्रीन से। एकदम सी गाइस वो बैक लाइट वाली इफेक्ट ये दिख रही है, वो भी सिनेमैटिक टोन में, और एकदम सी बढ़िया इफेक्ट दिख रही है। सो आप देख सकते हो गाइस हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट किया है इस फोटो को, और एकदम सिनेमैटिक टोन ये दिख रहा है। सो गाइस आप भी ये यूज़ कर सकते हो, और आपकी और इंस्टाग्राम को नेक्स्ट लेवल पे टर्न कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर वीडियो एंड प्रीसेस। ऑल्सो गाइस मेरी वेबसाइट को विजिट करो, दैट इज www.ashfieldgraces.com। ऑल्सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और गाइस सभी बैकग्राउंड्स और PNG का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो गाइस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।